वीडियो शुरू करने से पहले आप जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है यूजफुल लगती है तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर कर दिया करिए आप में से बहुत सारे लोग बिना लाइक किए चले जाते हैं सिर्फ एक क्लिक करना है तो अगर वीडियो मेरी यूजफुल लगती है आपको तो प्लीज बिना लाइक के मत जाया करिए आपके एक एक लाइक का इंपॉर्टेंस है मेरे लिए ठीक है तो बिना लाइक के मत जाइएगा प्लीज आज की वीडियो में पांच ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं शेयर करने वाली हूं जिन्हें तो काम की होने वाली है लंबे घने खूबसूरत और काले बाल चाहिए तो आज की वीडियो आप पूरा देखिएगा नमस्कार मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर स्किन उसके साथ साथ हेल्दी हेल्दी डाइट भी लेके आती हूं सिर्फ हेयर केयर एक्सटर्नल एप्लीकेशन और स्किन केयर में सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कुछ खास नहीं होता जब तक आपकी डाइट हेल्दी नहीं है ये सारी चीजें काम नहीं करती तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ हेल्दी हेल्दी डाइट भी हमेशा शेयर करती रहती हूँ अगर आपको इस तरीके की वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं ऑयल एंड शैम्पू हमारे हेयर केयर का बेस होता है अगर आप अपने बालों में लाख अच्छी चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लगा रहे हैं लेकिन अगर आपके हेयर केयर का बेस सही नहीं है तो आप कुछ भी लगा लो आपको फायदा ही नहीं मिलेगा और अगर मैं बात करूं मार्केट के शैंपू और तो शैंपू और ऑयल मिलते हैं हैं उनमें तमाम तरीके के केमिकल्स होते मेरा भरोसा आप आप मत कीजिए उसके ऊपर जो इनग्रीडियंट होता है मतलब शैंपू की बॉटल के ऊपर जो इनग्रीडियंट होता है ऑयल की बॉटल के ऊपर जो इनग्रीडियंट होता है उसको चेक कीजिए फिर आपको पता चलेगा उसमें कितने हार्मफुल केमिकल्स हैं जो हमारे बालों को डैमेज करेंगे और ऑयल और शैंपू दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें हर कोई अपने बालों में यूज करता है तो जो पहली चीज मैंने अपने हेयर केयर में इम्प्रूव करना शुरू किया वो यही ऑयल और शैम्पू था मैं घर पे ही ऑयल बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ गलत ऑयल लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका बहुत ज्यादा हेयर लॉस होगा सही ऑयल लगाएंगे तो आपके बालों को नरिशमेंट मिलेगी आपके बालों का टेक्सचर भी इवन इम्प्रूव होगा इस की जो शिकायत है वो भी खत्म होगी सही तरीके का ऑयल अगर आप लगाते हैं तो आप अपने बालों को ग्रो और रिग्रो भी कर सकते हैं ये जो ऑयल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इसे बनाना बहुत आसान है और बालों में लगा के देखिए आपके बालों में गजब के रिजल्ट आएंगे आपको एक एक चम्मच या फिर दो दो चम्मच आप यूज़ कर सकते हैं जितनी क्वांटिटी आपको बनानी हो ऑयल की उसी हिसाब से इन पाउडर्स की क्वांटिटी रखिएगा 200 हंड्रेड एम एल बनाने के लिए आपको 1 टीस्पून के बराबर भृंगराज 1 टीस्पून के बराबर हिबिस्कस लेना है हिबिस्कस का पाउडर और आधा चम्मच के बराबर टर्मरिक लेना है बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि बालों में टर्मरिक का यूज़ किया जाए कि नहीं किया जाए बालों में टर्मरिक उतना ही फायदेमंद होता है जितना कि स्किन के लिए होता है टर्मरिक हम किसी भी तरीके से खाएँ चाहे लगाएँ फ़ायदा ही पहुँचाता है हमारे बालों को रिग्रो करने का काम करता है साथ ही साथ स्कैल्प को भी हेल्दी बनाता है उसके बाद वन टीस्पून के बराबर आमला पाउडर आपको ऐड करना है आमला तो पता ही होगा आपको कि कितना ज़्यादा अच्छा होता है हमारे बालों के लिए उसके बाद इसमें एक चम्मच के बराबर ब्रहमी का यूज़ कर लीजिए ये सारी आयुर्वेदिक हॉब्स हमारे बालों के लिए कमाल की होती हैं अब इसमें वन टी के बराबर चंदन पाउडर मैंने ऐड किया है जो कि टोटली ऑप्शनल है अगर आपके पास है तो यूज़ करिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं आप इससे हमारे बाल लंबे घने भी होंगे और काले भी बने रहेंगे लंबे समय तक ये सारी चीज़ें जब से मैंने ऑयलिंग करना शुरू किया ना मेरे बाल पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गए एक चम्मच के बराबर मोरिंगा लीफ का पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं मोरिंगा सुपर फूड की तरह कंसिडर होता है हमारे बालों के लिए कमाल का होता है ऑक्सीडेटिव डैमेज भी खत्म करता है बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करता है उसके बाद अश्वगंधा मैंने इस्तेमाल किया है जो कि टोटली ऑप्शनल है अगर आप चाहें है आपके पास तो ज़रूर यूज़ करिए अदरवाइज स्किप कर दीजिए ठीक है अभी क्या करना है इन सारे पाउडर्स को आपस आप में मिक्स कर लीजिए ये सारे ही पाउडर्स आपके बालों के साथ मैजिक करने का काम करते हैं जब से मैंने अपने बालों में इस तरीके का ऑयल लगाना शुरू किया मेरा हेयर लॉस भी कम हुआ उसके साथ साथ मेरे बाल बहुत ही अच्छे हो गए हैं पहले से देखने में पहले मेरे बाल बहुत रफ ड्राई डैमेज लगते थे अभी बालों में कमाल की शाइन दिखती है अब क्या करना है आपको कोई भी ऑयल लेना है मैं यहाँ पे दो ऑयल का कॉम्बिनेशन ले रही हूँ ऑलिव ऑयल और कलौजी ऑयल आपके पास जो भी खाने वाला तेल है रिफाइंड ऑयल को छोड़ के कोर्स जो ऑयल आप खा सकते हैं जैसे सरसों का तेल तिल का तेल सीड का तेल नारियल का तेल ऑलिव ऑयल

उसके बाद आपको यूज करना है शैम्पू मैंने तो इतने सारे शैम्पू अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दिए हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये आपको बताने की जरूरत है लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं बता देती हूँ शैम्पू बनाने के लिए आपको आंवला लेना होता है रीठा लेना होता है फेनोग्रिक सीट का इस्तेमाल जरूर करना होता है अगर शिकाकाई है तो उसका भी इस्तेमाल कर लीजिए और ये जो है ये तो खुशबू के लिए मैंने इस्तेमाल किया है ये बेतीवर है इसका कोई खास जरूरत नहीं है ठीक है अब इन सारी चीजों को या तो आप बॉइल करिए या तो ओवरनाइट भिगोइए उसके बाद इसे यूज कर लीजिए मतलब ग्राइंडर में ग्राइंड करके स्ट्रेन करके यूज कर लीजिए याद रखिएगा अगर हैवी हेयर है ऑयलिंग की है थिक ऑयल लगाया है जैसे कि कैस्टर ऑयल तो ज्यादा मात्रा में रीठा का इस्तेमाल होगा इसे अच्छे से लगाइए और लगा के दो घंटे छोड़िएगा उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए ये जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसे भी हर कोई अपने बालों में यूज करता है चाहे कहीं का भी हो कैसा भी इंसान हो चाहे जिस एज ग्रुप से आता हो चाहे जिस जेंडर से आता हो चाहे जिस कंट्री से आता हो सब लोग इस चीज को यूज करता है और ये है कॉम्ब अगर आप प्लास्टिक वाली कॉम्ब यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है प्लास्टिक वाली कॉम्ब भी ठीक ही होती है लेकिन अगर आप लकड़ी का कॉम्ब यूज करना शुरू करते हैं तो आपको डिफरेंस पता चलेगा क्योंकि जो जो लकड़ी का वुड वुडन कॉम्ब होती है है वो हमारे स्कैल्प से नेचुरल और एक्सेस सीबम होता है, उसको एब्जॉर्ब करके आपके हेयर स्ट्रैंड में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो इससे क्या होता है कि आपके बाल नरिश होते हैं साथ ही साथ आपके बालों में जो ब्रेकेज की शिकायत होती है वो मिनिमाइज करने में वुडन कॉम्ब बेस्ट होती है सही तरीके का कॉम्ब चूज करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हेयर केयर में अब देखिए जो तीसरी चीज है ये कॉमन नहीं है और बहुत सारे लोग अपने बालों में यूज भी नहीं करते हैं लेकिन अगर आप इस चीज को यूज करना शुरू करते हैं तो आपके बाल बहुत जल्दी से रिग्रो करते हैं भले ही आप अपने बालों में हेयर से मत लगाओ चाहे बहुत सारे एक्सटर्नल एप्लीकेशन मत करो लेकिन ये जो चीज है इसे अगर आप फॉलो करना शुरू करते हैं आपके बाल डेफिनेटली बहुत जल्दी रिग्रो करते हैं ये बात साइंटिफिकली प्रूफ भी है तो देखिए मैं बात कर रही हूँ डर्मा रोलर की डर्मा रोलर जो होता है ना वो हमारे हेयर रिग्रोथ में कमाल का होता है क्योंकि हमारे हेयर फॉलिकल्स में स्टेम सेल्स होती हैं तो और डर्मा रोलर क्या करता है उनको एक्टिवेट करता है जिससे कि हमारे बाल रिग्रो करते हैं तो ये साइंस बेस्ड चीज है आप चाहो तो गूगल भी कर सकते हो तो डर्मा रोलर होता है ये हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ही कमाल का चीज है साथ ही साथ डर्मा रोलिंग करने के बाद जब आप कोई होम मेड हेयर मास्क लगाते हैं तो वो हेयर सीरम और हेयर मास्क अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है आपके बहुत काम की चीज है और ये चीज विद टाइम मैंने लर्न किया है कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता और हम अपने बालों की देखभाल नहीं करते हम चाहते तो हैं कि हम अपने बालों का ध्यान रखें लेकिन क्या करें हमारे पास टाइम ही नहीं है कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के लिए हेयर मास्क वगैरह के लिए तो मैं ओवरनाइट हेयर सीरम बनाती हूँ और ओवरनाइट हेयर सीरम बनाने के लिए मैं बेसिक चीजों का ही यूज करती हूँ अगर आपके पास आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं तो बहुत अच्छी बात है अदरवाइज आप कुछ घर की किचन में मिलने वाली बेसिक चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि कलौंजी सीड कलौंजी सीड हमारे बालों को रिग्रो करने में कम माल की होती है और आप आंवला का भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ साथ मेरे पास आयुर्वेदिक हर्ब्स हमेशा होती हैं क्योंकि आयुर्वेदिक हर्ब्स के फ़ायदे ही आपको अलग लेवल के मिलते हैं तो मैंने इसमें जटा मानसी ऐड किया है जटा मानसी हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट स्टिमुलेट करती है साथ ही साथ बालों के ग्रोथ फेज को भी इंक्रीज कर देती है जिससे कि हमारे बालों में गजब के रिजल्ट्स मिलते हैं बाल जल्दी से रिग्रो भी करते हैं बालों की थिकनेस भी इंक्रीज़ होती है उसके बाद इसमें मैंने वेतीवर डाला जो कि टोटली ऑप्शनल है इसकी जगह अगर आप चाहें तो भृंगराज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं वेत्वर हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है हमारे बालों को रिग्रो भी करता है बालों में कमाल की खुशबू ऐड करता है अब जो अगला इन्ग्रीडियंट है ये है नीम की पत्ती का पाउडर नीम की जो पत्तियाँ होती हैं ना हमारे स्कैल्प को एकदम क्लीन एंड क्लियर बनाती हैं मतलब कि डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करती हैं किसी भी तरीके के एक्ूमुलेशन को नहीं होने देती जिससे कि हमारे बाल बहुत आसानी से रिगड़ो करते हैं और हमारे बालों को ग्रो होने के लिए एक अच्छा सा इन्वायरमेंट मिल जाता है तो इससे हमारे बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होती है बाल समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होते अब देखिए अगर हमारा हेयर सिर्फ मॉइस्चराइजिंग होगा तो हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमारे स्कैल्प बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रहेगी हेयर फॉलिकल्स को अच्छे से नरिशमेंट मिलेगी तो इसके लिए मैंने यहाँ पे टेन एलमंड ओवरनाइट भिगो दिया है इसी के साथ साथ फिर क्या करना है नेक्स्ट मॉर्निंग सारी चीज़ें अच्छे से फूल चुकी हैं तो ये जो एलमंड है इसका छिलका उतार के इसी में डाल देना है बाकी सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल दीजिए और अच्छे से ग्राइंड करके इनका बारीक सा पेस्ट बना लीजिए पेस्ट बनाने के बाद इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन भी कर लीजिए अगर आप इसे लंबा चलाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी थोड़ा सा रोज़ वाटर में डाल के इन सारी चीज़ों को भिगोइएगा तो हमारा जो हेयर सीरम है लंबा चलेगा जल्दी खराब नहीं होगा अब इसमें मैं रोज मेरी एसेंशियल ऑयल के टेन ड्रॉप्स भी ऐड करूंगी क्योंकि रोज मेरी एसेंशियल ऑयल हमारे बालों को रिग्रो करने में मीनो ऑक्सीडल जितना ही पावरफुल होता है क्विकली बालों को रिग्रो करता है साथ ही साथ हमारे बालों को लंबा घना मजबूत बना के रखने में हेल्प करता है अभी ये जो ओवर नाइट हेयर सीरम है इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगाइए वॉश करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो है हमारी डाइट आप तमाम तरीके की चीजें अपने स्कैल्प में बालों में लगा रहे हो लेकिन आपकी डाइट ही सही नहीं है आप उल्टा पुलटा खा रहे हो जिसमें कोई न्यूट्रिय नहीं है वो सारी चीजें खा रहे हो वो सारे स्नैक्स खा रहे हो देखिए स्नैकिंग करना बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप स्नैक्स की जगह फ्रूट्स खाते हैं नट्स खाते हैं तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा है ना जो पैसा लगा के आप स्नैक खरीद रहे हैं वही वाला पैसा लगा के आप कुछ ऐसी चीज खरीदो जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी हो जैसे फ्रूट्स हो गया कैरेट हो गया बीट रूट हो गया ये सारी चीजें आप खाओ अमरूद हो गया जो सीजनल और लोकल फ्रूट्स होते हैं वो सस्ते भी मिल जाते हैं और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक भी शेयर करूंगी जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिय हैं ये आपके बालों को रिग्रो करने में ग्रो करने में कमाल का है अब जो ड्रिंक मैं शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही कमाल का है ये जो चीज आप देख रहे हैं ये कुछ और नहीं आंवला है थोड़ा सा ड्राई हो गया इसलिए इसकी शक्ल ऐसी दिख रही है आंवला हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है इसके अंदर आयरन वाइटामिन सी का ये बहुत अच्छा सोर्स होता है साथ ही साथ ये हमारे बॉडी में पित्त दोष को बैलेंस भी करके रखता है जिससे कि हमारा हेयर लॉस नहीं होता बाल समय से पहले सफेद नहीं होते बहुत सारे फायदे होते हैं इसे कंज्यूम करने के अब इसमें आपको गाजर ले लेना है गाजर के अंदर बहुत सारा वाइटामिन ए पाया जाता है एंटी होता है बायोटिन का ये बहुत अच्छा सोर्स होता है जो हमारे बालों को भी करता अब इसमें है रिगरो चुकंदर आपको ले लेना है चुकंदर हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल बैलेंस करके कर रखता है जिससे कि हमारे बालों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है हीमोग्लोबिन का लेवल जब कम हो जाता है तो हमारे बालों को एनअफ़ ब्लड सप्लाई ही नहीं मिल पाती जिससे कि हमारे बाल मरने लगते हैं फिर झड़ने लगते हैं अब इसमें आपको थोड़ा सा अनार भी ज़रूर यूज़ कर लेना है अगर आप कंज्यूम कर सकते हैं तो अगर आपके पास नहीं है तो इसके भी कर सकते हैं आप लेकिन देखिए अनार हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है अनार के अंदर बहुत सारा आयरन प्रोटीन वाइटामिन सी पाया जाता है जो हमारे बालों को लंबा घना मजबूत बनाने का काम करता है अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है तो ये हेयर लॉस को भी स्टॉप करने का काम करता है बालों को रिग्रो करता है अच्छे से इन सारी चीज़ों में पानी डालिए ग्राइंड कर लीजिए उसके बाद मैं इसे स्ट्रेन इस कर लेती हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है जिसे मैं कंज्यूम नहीं कर सकती हफ्ते में एटलीस्ट थ्री टाइम्स इसे मैं ज़रूर कंज्यूम करती हूँ तो ये थी मेरी आज की वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अगर आपको पसंद आई है मेरी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार